गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वोकैबुलरी डे 33 में आपका मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड आपके सामने ये रहा, इम्पॉर्चुनेट। इम्पॉर्चुनेट इसका प्रोनाउंसिएशन है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जिद्दी, स्टबर्न जिसे बोलते हैं, ओके, विग्ड जिसे बोलते हैं। और इसका नेचर क्या है? ये है एडजेक्टिव। तो देखते हैं इसके डेफिनेशन, सिनोनियम, एंटोनियम्स और सेंटेंस। एक्सप्रेसिंग परसिस्टेंट एंड अर्नेस्ट एंड ट्रीटी, मतलब किसी चीज़ को ये कहना कि मुझे तुम्हें चाहिए, किसी चीज़ पे अड़ जाना, जिद्दी, ओके, हटी जिसे बोलते हैं। अब इसकी बात करते हैं सिनोनियम्स की। सिनोनियम्स क्या हैं इसके? बीसीचिंग, इम्प्लोरिंग, प्लीडिंग, परसिस्टेंट, इंसिस्टेंट, अर्जेंट, टेनाशियस, प्रेसिंग, ऑब्स्टिनेट, क्लेमोरस, इंस्टेंट, ऑब्ट्रूसिव। तो ये कहते हैं सिनोनियम, जिनका मीनिंग क्या होगा? वही जो इम्पॉर्चुनेट का है, जिद्दी। तो चलिए एंटोनियम्स देख लेते हैं इसके। दोस्तों एंटोनियम्स क्या होंगे इसके? जो जिद्दी नहीं होगा, जो मान जाएगा, जो मतलब जिद नहीं करेगा किसी चीज़ के लिए, अपना स्टबर्न बिहेव नहीं शो करेगा। तो बात करते हैं इम्पॉर्टुनेट, इम्पोर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, इनडिफरेंट, रिलैक्स्ड, कूल, इम्पेरेटिव, माइनर, अनडिमांडिंग, एपीजिंग, एंटीपैथेटिक। पैथेटिक क्या होता है? जिद्दी। एंटीपैथेटिक क्या होगा? जो जिद्दी नहीं है। अब बात करते हैं इसके सेंटेंस की। माई मदर लेफ्ट हर हजबेंड बिकॉज ही वॉज an importunate man who treated her like an unpaid servant. मेरी मम्मी ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया क्योंकि वो कैसा इंसान था? एक जिद्दी इंसान था। और जो उन्हें कैसे ट्रीट करता था? एक बिना वेतन के नौकर या गुलाम की तरह ट्रीट करता था, इसलिए छोड़ दिया। सही किया। बात करते हैं सेकेंड वर्ड की। सेकेंड वर्ड क्या है? मेरिटोरियस। मेरिटोरियस मीनिंग क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है अप्लॉडेबल, अप्रिशिएबल, मीन्स प्रशंसा के योग्य, प्रशंसा के योग्य दोस्तों, जिसकी हम तारीफ कर सकते हैं, जिसके हम मतलब कमेंडेबल जो होता है, ओके दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। जैसे कि मैंने बता दी, डिजर्विंग रिवॉर्ड और प्रेज, जो रिवॉर्ड और प्रेज डिजर्व करता है। बात करते हैं इसके सिनोनियम्स की। सिनोनियम्स क्या होंगे दोस्तों? मेरिटेबल, एडमायरेबल, क्रेडिटेबल, वर्थी, प्रेज वर्थी, कमेंडेबल, लाउडेबल, एस्टिमेबल, एग्जेम्पलरी, एक्सीलेंट। ये क्या होंगे? सिनोनियम्स होंगे, जो कि ये जो वर्ड है मेरिटोरियस, इसका सेम मीनिंग देंगे। अब बात करते हैं एंटोनियम्स के। एंटोनियम्स क्या होंगे दोस्तों? इसके एंटोनियम्स होंगे आउटरेजियस, अनडिजर्विंग, अनवर्थी, शेमफुल, सैड, चीप, डिसऑनरेबल, डेस्पिकेबल, सिनफुल, ओके। ये क्या होंगे? जो तारीफ करने योग्य नहीं होंगे, जिस जो मतलब जिसकी बुराई होगी, शेमफुल होगा, उस मीनिंग में सेंसेस का। अब बात करते हैं सेंटेंस की। बट द मेरिटोरियस कॉलेज कैरियर डज नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट अ पर्सन्स फ्यूचर अचीवमेंट। अब इसका मीनिंग है, किंतु केवल कॉलेज की शिक्षा ही इंसान की किस्मत का आईना नहीं है, कि कॉलेज की शिक्षा ही व्यक्ति की या इंसान की किस्मत का आईना नहीं है। तो ये था आज के कुछ वर्ड दोस्तों। मिलते हैं आपको ऐसी किसी वीडियो में नए वर्ड्स के साथ। तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए खुशहाली के साथ, पढ़ते रहिए, ओके दोस्तों। लाइक द सेशन, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।